हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वन टू वन क्लासेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पास बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और हम कैसे कैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। आज हमारा सबसे पहला टारगेट है उन्हीं सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस को डिस्कस करना, जिसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या होती है रिटेन्ड अर्निंग्स? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अच्छी कंपनी अपने जितना प्रॉफिट होता है उसका सारा हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में नहीं बांटती। अब ये डिविडेंड क्या होता है वो भी बता देता हूं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, इक्विटी शेयर्स जब हम खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के ऑनर्स बनते हैं, या आप लोग जानते हैं। ऑनर बनने पर आपको शेयर्स तो आपके पास हैं, उन शेयर्स पर आपका क्लेम रहता है कि अगर कंपनी एक्सेस प्रॉफिट अर्न करती है तो कंपनी आपको डिविडेंड दे। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के पास पहुंचेगा, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के पास पहुंचेगा उसी का नाम है डिविडेंड। तो हर शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है कि अच्छी कंपनी उसको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे। लेकिन कंपनी अपने सारे प्रॉफिट में से अगर बहुत सारा डिविडेंड दे देती है तो उसके अपने पास कम बचेगा। अच्छी कंपनी ज्यादा डिविडेंड, बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देके कुछ पैसा अपने पास रिटेन्ड करती है ताकि वो फ्यूचर में आने वाली सिचुएशंस को टैकल कर पाए, अपनी लायबिलिटीज अगर हैं तो उसको टाइमली मीट कर पाए, और सबसे ज्यादा जरूरी सेल्फ फाइनेंसिंग कर पाए अगर जरूरत पड़ जाती है पैसे की, तो मतलब अपने आप को खुद ही पैसा दे दे और बाहर से, बाजार से, मार्केट से पैसा उठाने की नीड ना पड़े, मार्केट से पैसा लेने की नीड ना पड़े। इसके लिए हम लोग रिटेन्ड अर्निंग का सहारा लेके चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड एंड वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट वन एंड इजीएस्ट एंड डेट फ्री एज वेल एज लायबिलिटी फ्री मेथड ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस इज रिटेन्ड अर्निंग। सो एक अच्छी कंपनी अपने प्रॉफिट को पूरा नहीं बांटेगी, डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को पूरा नहीं देगी, कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगी फ्यूचर में यूज करने के लिए, जिसको हम लोग कह के चलते हैं दोस्तों रिटेन्ड अर्निंग्स। एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना आ रहा है और इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग रख रही है जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहा जा रहा है। ये आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। रिटेन अर्निंग इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है और बेस्टेस्ट सोर्स कहूंगा मैं, अगर मुझे अपनी कंपनीज की लायबिलिटी बिल्कुल नहीं बढ़ानी और मैं चाहता हूं मेरा कंट्रोल भी डाइल्यूट ना हो, कोई लायबिलिटी भी अराइज ना हो, तो मुझे लगता है अपना पैसा यूज करना सबसे अच्छा तरीका है। इंटरनल सोर्स है, डेट फ्री है, कंट्रोल डाइल्यूट बिल्कुल नहीं करता, और रिटेन अर्निंग से जो पैसा हम लेते हैं इसको हम लोग प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वाई रिटेन अर्निंग्स आर नोन एज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लोइंग बैक का मतलब दोबारा से आपने प्रॉफिट इन्वेस्ट करा है। रिटेन अर्निंग आपके प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने अलग निकाला था, जरूरत पड़ने पर आपने वही हिस्सा दोबारा से लगा दिया, तो डेट इज हाउ इट इज नोन एज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। दोस्तों गन्ने की खेती में भी ऐसा ही होता है कि जब गन्ना काट लिया जाएगा तो उसका जो छोटा सा हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा निकाल के दोबारा से उसको प्लो करते हैं और उसी से दोबारा गन्ना उग जाता है। तो ये वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि प्लोइंग बैक प्रॉफिट का मतलब है आपने अपनी कंपनी के प्रॉफिट को जो कि अलग रखा था, आपने दोबारा इन्वेस्ट करा और अब वो प्रॉफिट आपका और ज्यादा बड़ा बन के आपको ही मिलेगा। सो दैट इज हाउ रिटेन अर्निंग इज नोन एज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। इसके मेरिट के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, इसके फायदे नुकसान के बारे में बता देता हूं। सबसे बड़ा फायदा जो रिटेन अर्निंग का है दोस्तों वो है कि रिटेन अर्निंग परमानेंट सोर्स है फंड का, ठीक है, ये हमेशा आपके पास रहेगा। अगर आपकी कंपनी अच्छी चल रही है तो आपके पास रिटेन अर्निंग हमेशा रहेंगी रहेंगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। कंपनी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, तो आप कुछ पैसा तो निकाल के रख ही सकते हैं बुरे समय के लिए। दूसरा, हमारे पास इसमें कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, आपको किसी को कुछ नहीं देना, आपको इंटरेस्ट नहीं देना, आपको डिविडेंड नहीं देना, आपको कुछ नहीं देना। इससे अच्छा पैसा क्या हो सकता है जिसमें कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो रहा है। आप अपना पैसा खुद इस्तेमाल करिए, आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है इसके अंदर। और तीसरा पॉइंट आता है, ये आपको ऑपरेशनल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्यों देता है?
जब आप अपना पैसा खुद इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं, क्यों पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा लगा रहे हैं, कहाँ पे कम लगा रहे हैं। कोई आपसे कुछ नहीं पूछने वाला। मान लीजिए मेरे पास 500 या 2000 का नोट है, मैं उसको रखूँ, मैं उसको किसी को दूँ, मैं उसको यूज़ करूँ यूज़ ना करूँ, ये मेरा मैटर है, उससे रिलेटेड कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। तो रिटेन अर्निंग इसी तरीके से है, ये आपकी ना केवल लाइबिलिटीज़ के बर्डन को ख़त्म कर देता है क्योंकि आपको देना है नहीं बिल्कुल भी, बल्कि आपके कंट्रोल को भी डायल्यूट होने से बचाता है और साथ साथ आपकी ऑनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करता है और आपको टेंशन फ्री डिसीजन मेकिंग फील कराता है। ये सबसे अच्छी बात है हमारी रिटेन अर्निंग्स की। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया कि ये आपके बिजनेस के अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अचानक से आपके बिजनेस में आपको लॉस हो गया, आपने अच्छे समय में कुछ पैसा निकाला हुआ था बुरे समय के लिए, बुरा समय आया आपने उस पैसे को यूटिलाइज कर लिया, आपका बुरा समय टल गया, इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। तो हर कंपनी अपने अच्छे समय में बुरे समय के लिए कुछ पैसा निकालती है, ये हमारी रिटेन अर्निंग्स होती है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और पॉइंट है फिफ्थ इसके मेरिट का, कि ये इक्विटी शेयर्स के प्राइसेस को भी बढ़ाता है। कैसे? देखिए मान लीजिए हमारे पास दो कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए और बी। एक कंपनी है जो आपको कोई डिविडेंड नहीं देती और दूसरी कंपनी जो आपको हर साल डिविडेंड भी दे रही है। डिविडेंड मींस बीइंग एन इन्वेस्टर, बीइंग एन इक्विटी शेयर होल्डर, आपको मिलता ही गया है, बस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, आपसे उसको फायदा अच्छा खासा होगा फ्यूचर में, आपको डेफिनेटली होगा फायदा, लेकिन आपको रिटर्न में फिलहाल मिल क्या रहा है, प्रेजेंटली आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कंपनी ए आपको कोई डिविडेंड नहीं दे रही, लेकिन कंपनी बी आपको हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे रही है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये हर शेयर पे आपको दे रही है। एक शेयर अगर आप लेके रखते हैं उस कंपनी का तो आपको 5 रुपये, 10 रुपये कंपनी डिविडेंड के रूप में दे रही है। अब ये बताओ, एक कंपनी कुछ नहीं दे रही, दूसरी कंपनी दे रही है, तो मैं तो पैसा अपना उसमें लगाऊंगा जहां कंपनी डिविडेंड दे रही है, क्योंकि डिविडेंड का मतलब है कंपनी ग्रोथ कमा रही है, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट लेकर आ रही है हर बार, तभी तो डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड क्यों देगी कंपनी जब उसके पास अच्छा खासा टर्नओवर होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और अच्छी खासी ग्रोथ होगी, कंपनी डेफिनेटली डिविडेंड देगी, तभी तो देगी। तो ये शो करता है कि अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो उसकी इक्विटी शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये है हमारे दोस्तों रिटेन अर्निंग्स से कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेरिट्स। अब मैं बात करूंगा रिटेन अर्निंग्स के डिमेरिट के बारे में, क्योंकि हर चीज़ के दोस्तों फायदे नहीं होते, जो भी चीज़ दुनिया में बनी है उसके किसी ना किसी चीज़ के रूप में नुकसान तो होगा ही होगा। तो क्या क्या नुकसान है रिटेन अर्निंग के, वो बताना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप एक्सेसिव प्लोइंग बैक करते हो तो शेयर होल्डर्स को डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांट रही है और हद से ज़्यादा रिटेन अर्निंग रख रही है, मतलब डिविडेंड कम जा रहा है, रिटेन अर्निंग ज़्यादा जा रही है। इस रूप में शेयर होल्डर्स को लगेगा कि कंपनी अब पैसा नहीं देना चाहती, कंपनी सारा पैसा खुद ही यूज़ करना चाहती है, थोड़े से मीन टाइप की फीलिंग आएगी कंपनी के रूप में। तो ऐसे वे में शेयर होल्डर्स नाराज़ हो जाएंगे और वो उस कंपनी के शेयर सोल्ड ऑफ कर देंगे, अपनी ऑनरशिप ही बेच देंगे, भाई हमें ऐसी कंपनी बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें हमें डिविडेंड ना मिले। तो अगर हम एक्सेसिव प्लोइंग बैक करते हैं, एक्सेसिव रिटेन अर्निंग रखते हैं, तो हमारे शेयर होल्डर्स नाराज होंगे और डेफिनेटली नाराज नहीं करना है, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर हैं, ऑनर्स को नाराज नहीं करा जाता, कंपनी के मालिक हैं, कर्ता धर्ता हैं। अगर मैंने उनको नाराज कर दिया तो मेरे पास बचेगा ही क्या, तो मुझे उनको नाराज नहीं करना बिल्कुल भी। अगर मैं रिटेन अर्निंग हद से ज्यादा रखता हूं तो मेरे शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नाराज हो सकते हैं, तो मुझे ज्यादा नहीं रखने बिल्कुल भी, जितना सही है जितना वाजिब है उतना ही रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट पता रखा है, ये काफी ज्यादा अनसर्टेन सोर्स है। अनसर्टेन सोर्स का मतलब है कि कंपनी जब तक प्रॉफिट में है तब तक तो रिटेन अर्निंग की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, लेकिन अगर कंपनी लॉसेज में है पिछले 2, 3, 4, 5, 6 सालों से, तो रिटेन अर्निंग के नाम पर उसके पास क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, पॉसिबल ही नहीं उसके पास कुछ हो। प्रॉफिट होगा तब रिटेन करूंगा, लॉसेज हैं तो भाई मैं कहाँ से निकालूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा अनसर्टेन है उस केसेस में, अगर कंपनी पिछले कुछ सालों से लॉसेज सफर कर रही है तो उसके पास रिटेन अर्निंग के नाम पे होगी सिर्फ जीरो, कुछ और होने वाला नहीं है। ये काफी अच्छा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारे पास है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है रिटेन अर्निंग के साथ, वो थोड़ी सी है कि जब आप अपना पैसा यूज करते हैं तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होता, और बिना बर्डन वाला पैसा यूज करने के साथ एक छोटा सा क्लॉज जुड़ा हुआ है कि आप उस पैसे को ढंग से यूज नहीं कर पाते।
अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी तो टेंशन होगी कि मुझे जनरेट करना है, और अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है तो हम उस पैसे को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कुछ जनरेट हुआ जनरेट नहीं हुआ हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो लायबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है पैसे के साथ, तभी इंसान के एफर्ट्स अंदर से निकल के आते हैं कि नहीं यार मुझे बेस्ट से बेस्ट प्रूफ करके दिखाना है अपने डिसीजन को, और मैं बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स करूँगा क्योंकि मुझे ये पैसा चुकाना है। आई नीड टू पे दीज मनी फ्रॉम हुम हैव टेकन। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम लोग बाहर से पैसा लेते हैं तो हम उसको चुकाने के लिए दिलो जान से मेहनत करेंगे, लेकिन हमारा अपना पैसा है, कमाया तो ठीक नहीं कमाया तो कोई बात नहीं। तो ये जो लायबिलिटी अराइज होगी, लायबिलिटी होगी दोस्तों तो हमें पे ऑफ करनी पड़ेगी, नहीं तो पे ऑफ करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। इसलिए पैसे की एक्सप्लिसिट कॉस्ट होनी ज़रूरी है, या हो तो ज़्यादा अच्छा है ताकि बर्डन बढ़े, बर्डन बढ़ता है एक लिमिट तक तो एफर्ट्स भी जनरेट होंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, ये है हमारी रिटेन अर्निंग्स की डीमेरिट। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस की ओर, जिसका नाम है ट्रेड क्रेडिट। उधार मिलता है, ट्रेड क्रेडिट का मतलब है कि जब एक सप्लायर दूसरे सप्लायर पर रॉ मटेरियल का उधार, मशीनरी का उधार, हर प्रकार का उधार देता है तो उसी को हम लोग ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। ये एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प कह सकते हैं आप, इन टर्म्स ऑफ कि हम आपको सामान दे रहे हैं और आप इतने टाइम में हमें पैसा वापस देंगे उस सामान का। सो डेट इज़ नोन एज ट्रेड क्रेडिट। एक सप्लायर दूसरे सप्लायर की हेल्प करता है रॉ मटेरियल देकर, मशीनरी देकर, और जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी इनपुट है, सब रिसोर्सेज देकर, ताकि प्रोडक्शन टाइम पर हो पाए, सेलिंग टाइम पर हो पाए, और उसके बाद जैसे ही मनी जनरेट होगी उन सारे के सारे जितने भी क्लेम्स हैं उनको सेटल कर दिया जाएगा। इन सारे क्लेम्स को दोस्तों हम लोग ट्रेड क्रेडिट कहते हैं, और जितना भी पैसा हम ले रहे हैं जिन लोगों से ले रहे हैं वो बनेंगे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंट्स के लिए भी, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमें अपने क्रेडिटर्स को टाइमली सेटल करना है। यहाँ पे क्रेडिटर्स को टाइमली सेटल करने का जो टाइम मेंशन करा गया है दोस्तों वो रहा है 3 महीने से लेके 6 महीने तक का उधार आपको मिल सकता है। बहुत ही फ्रीक्वेंट और बहुत ही कॉमन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर बिजनेस के लिए ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल है। लेकिन 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 कंडीशन है, जान पहचान होनी चाहिए। अनजान इंसान को कोई भी ट्रेड क्रेडिट नहीं देगा, क्योंकि अगर कोई लेके भाग गया तो हम किसको ढूंढेंगे। तो थोड़ी जान पहचान, थोड़ी पुरानी बिजनेस टर्म्स अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, उधार देने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही फ्रीक्वेंट और बहुत ही कॉमन सोर्स है फाइनेंस का, जिसको हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसकी मेरिट की ओर बात करें दोस्तों हम लोग, तो पहला है ट्रेड क्रेडिट कंटिन्यूस और कन्वीनियंट सोर्स है, बहुत आसानी से मिल जाता है और मिलता रहता है। इसका मतलब रोटेशन चलती रहेगी। आप पिछला बिल क्लियर करिए, अगले वाला उधार ले लीजिए, उससे अगले वाला उधार ले लीजिए, तो ये रोटेशन चलती रहेगी, कभी रुकने वाली नहीं है। बस आप टाइमली पेमेंट करिए, आपको कोई भी उधार देने से मना नहीं करेगा बिल्कुल भी, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा, ट्रेड क्रेडिट दोस्तों बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। अगर मुझे लगता है कि जिस इंसान को मैं उधार दे रहा हूँ उसके पास वर्थ है उसको चुकाने की, वो चुका सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं कभी उधार देने से मना करने वाला नहीं हूँ। बस सामने वाले के पास इतना बैकअप हो कि वो मेरा पैसा चुका पाए, मैं उसको उधार दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बहुत आसानी से मिल जाता है और जितना चाहिए उतना मैक्सिमम रूप से मिल ही जाता है। उसके बाद ट्रेड क्रेडिट जो है दोस्तों ज़्यादातर लिया जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को प्रमोट करने के लिए, जहाँ हर ऑर्गेनाइजेशन की कैश सेल्स इतनी सी हैं, क्रेडिट सेल दोस्तों उसकी इतनी सारी हो सकती है। तो जब तक हम उधार नहीं देंगे तब तक सेल्स को बढ़ा पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग एक सर्टेन टाइम पीरियड तक का उधार या क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी सेल्स को बूस्टअप कर पाए। चलिए फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास, वो सारी कंपनीज जिन्हें बहुत सारा इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है अपनी फ्यूचर की सेल्स के अकॉर्डिंग, वो सारी कंपनीज भी इन्वेंट्री ट्रेड क्रेडिट पर लेना पसंद करती है। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी के पास फ्यूचर में बहुत अच्छी सेल हो सकती है और आप उस सेल्स को करने के लिए आज ही इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहें, स्टॉक मेंटेन करके रखना चाहें ताकि आप फ्यूचर में उसको प्रोड्यूस कर पाएं, तो उसके लिए भी आपको ट्रेड क्रेडिट मिल जाएगा। कंपनी इस काम के लिए भी ट्रेड क्रेडिट लेना पसंद करती है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है, ये आपके एसेट को ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं करेगा। आपके एसेट्स को मॉर्गेज या कोलेटरल गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आप किसी से भी लेना चाहें ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं। जो भी आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं वो आपको
हर प्रकार का ट्रेड क्रेडिट देने को तैयार हैं अगर आपकी फाइनेंशियल इमेज या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, अच्छी है, तो वो आपको कभी उधार देने से, ट्रेड क्रेडिट देने से मना नहीं करेंगे। बस आप टाइमली उसको चुकाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हर दुकान पर लिखा होता है आज नगद कल उधार, उधार एक जादू है हम आपको देंगे और आप गायब हो जाएंगे। तो ये तब लिखा जाता है जब हमें पता है कि जिस इंसान को हम उधार दे रहे हैं वो वापस कभी नहीं आएगा। ऐसे केसेस में इंसान कहेगा भैया उधार नहीं देंगे बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपकी इमेज अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, तो आपको कोई भी इंसान ट्रेड क्रेडिट देने से मना करने वाला नहीं है बिल्कुल भी। ये है दोस्तों हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट्स ट्रेड क्रेडिट की, आप ध्यान रख के चलेंगे। अब मैं बात करूँगा दोस्तों इसकी लिमिटेशंस की, बिकॉज एवरीथिंग कम्स विथ सम लिमिटेशन ऑल्सो। सो द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज दैट इज ये बहुत रिस्की है। जो इंसान दे रहा है उसके लिए तो भाई ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, और जो इंसान ले रहा है जब उधार पे सामान मिल रहा होता है ना तो वो हमेशा ओवर ट्रेडिंग करता है, हद से ज़्यादा ले लेता है, कि उसे पता है कि फ्यूचर में पेमेंट करनी है, जो आ रहा है आने दो, उधार पे आ रहा है आने दो आने दो आने दो आने दो उन आ रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है कि ओवर ट्रेडिंग हो रही है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओवर ट्रेडिंग वाला इंसान हद से ज़्यादा खरीद लेता है, जितनी उसकी रीच नहीं है, जितनी उसकी लिमिट नहीं, उससे ज़्यादा खरीद रहा है, क्योंकि उधार है इसलिए वो ज़्यादा ले लेता है मैक्सिमम केसेस में, और देने वाला दे देता है और बाद में देने के बाद पछताता है कि मैंने हद से ज़्यादा दे दिया। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मुझे पता है मुझे कैश में सामान लेना तो मैं उतना ही लूँगा जितना कैश मेरे पास है, लेकिन अगर मुझे उधार में सामान लेना है तो कोई लिमिट नहीं है कि मैं जितना लेना चाहूँ उतना ले सकता हूँ अगर मेरी इमेज अच्छी है तो। तो ये एक छोटी सी लिमिटेशन इसकी रहेगी दोस्तों। दूसरा हमारे पास है कि एक लिमिट तक ही मुझे ट्रेड क्रेडिट मिल पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। हर इंसान की एक इमेज है, उस इमेज के साथ उस इंसान की गुडविल जुड़ी है, और उस गुडविल के साथ पता है कि सामने वाला इंसान की वर्थ कितनी है और वो कितने तक का क्रेडिट का हकदार रहेगा। हर सेलर को इस बात का पता है। मेरे पास मान लीजिए दो सेलर, सेलर ए सेलर बी, सेलर ए का काम अलग लेवल का है, सेलर बी का काम अलग लेवल का है। मुझे पता है सेलर ए को ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक का उधार देना ठीक है, इससे ज़्यादा उधार देना बेकार है, भाग जाएगा या दिक्कत होगी चुकाने में। सेलर बी मुझे पता है उसके टर्नओवर ही कई करोड़ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं उसको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि वो रीपे कर देगा क्योंकि उसका टर्नओवर बहुत अच्छा खासा है और उसकी जो पेइंग कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, तो वो जल्दी चुका देगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लिमिट तक ही मिलेगा, जितनी एक इंसान की एबिलिटी है मैं उतने तक ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर बी मुझे कहेगी आप मुझे 500 करोड़ का उधार दे तो मैं नहीं दूंगा, मुझे पता कि भाई ना मैं दे पाऊंगा और ना ही वो 500 करोड़ लेके अगर चला गया तो नुकसान में रहेगी, इसलिए मैं एक लिमिट से ज़्यादा देता ही नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रेड क्रेडिट में। और दोस्तों एक और हमारा पॉइंट है जिसका मतलब है कि जब भी आप उधार पर सामान खरीदेंगे आपको सामान हमेशा महंगा पड़ेगा, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। आपको पता भी अकाउंट्स में आप एंट्री करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट तो मिल जाता है, कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा सिर्फ तभी जब आप पेमेंट करेंगे कैश में, तो वो कैश डिस्काउंट आपका 3%, 4%, 5% जितना भी है वो तभी मिलेगा जब आप इमीडिएट कैश या एक सर्टेन टाइम पीरियड में कैश पेमेंट करते हैं। तो इसका मतलब उधार पर सामान लेने पर आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको सामान थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। आप बचाना चाहें अपने 5% बचा सकते हैं लेकिन आप नहीं बचा पाए क्योंकि आपने सामान किस पे लिया, क्रेडिट पे। तो ये है दोस्तों हमारी दो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो हमने आज डिस्कस करे हैं, जिसका नाम है रिटेन अर्निंग और दूसरा हमारे पास है ट्रेड क्रेडिट। इनके बारे में डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आई हैं, आप उनको बहुत अच्छे से याद करिए, समझिए, लिखिए और प्रैक्टिस करिए और याद करके उनको अच्छे से यूटिलाइज करिए इस सारे मटेरियल को जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग 1-to-1 क्लासेस पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को और हर एक इंसान को जो भी आपके टच में है उसको चैनल के बारे में बताइए ताकि वो लोग भी इस चैनल से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, हैव अ वंडरफुल डे।